दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। बड़ी दिलचस्प तस्वीर है अपने देश की सियासत की, और आप देखिए उत्तर प्रदेश से पहले हम शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोरोना से होने वाली मौतों के मुआवजे का प्रश्न उतना डोमिनेंट नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है उसको। रोज़गार का प्रश्न कोई पूछ नहीं रहा है कि आखिर जिन लोगों का रोज़गार गया उनके रोज़गार का क्या होगा, किसानों की क्या स्थिति है, किसान आंदोलन इतने वर्ष दिनों से चल रहा है उनके बारे में कोई चिंता नहीं है सरकार को, किसी भी तरह की सरकार को, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य को हो। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। अब मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि धर्मांतरण उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया। और अगर मान लीजिए धर्मांतरण किसी ने किया कराया, जैसे ATS ने कहा, जो वहाँ की स्पेशल एक टीम बनाई गई है पुलिस की बहुत पहले से, आमतौर पे वो दूसरे तरह के मामलों को देखती है, लेकिन उसको कहा गया है कि धर्मांतरण के इश्यूज़ को भी देखे, तो हम देख रहे थे कि उसके किसी प्रवक्ता ने दावा किया कि 1000 लोगों का धर्मांतरण हुआ है। चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यूपी की इतनी विशाल आबादी में 1000 लोग धर्मांतरित हो गए, ठीक है, हम इसको अप्रूव करते हैं, मान लिया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, अब उन्होंने कहा कि सबसे अधिक धर्मांतरण मेरठ जोन में हुआ है। अब मेरठ जोन की जो संख्या बताई गई है वो दहाई में है। इसी तरह से बनारस, गोरखपुर में इक्का दुक्का है, लखनऊ में इक्का दुक्का है, बरेली में इक्का दुक्का। इस तरह के जो धर्मांतरण के इश्यूज़ हैं, अब वो कहाँ से कितने समय से 1000 हुआ है ये तो पुलिस जाने, हम उसके ऊपर शक नहीं करते। पुलिस बहुत पराक्रमी है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की जो पराक्रमी पुलिस हमारी है उससे भी ज़्यादा पराक्रमी हमारे टेलीविज़न के एंकरनियाँ हैं, तो हम उनकी कहानियों पर भी फिलहाल नहीं जा रहे हैं। ये मेरा विषय नहीं है, मैं किसी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ उन कहानियों पर जा रहा हूँ जो टेलीविज़न में उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले देखी और लिखी और दिखाई जा रही हैं। उनसे जो तस्वीर उभरती है उसमें ये लगता है कि धर्मांतरण वाकई बड़ा मुद्दा बन गया है। आखिर ये उत्तर प्रदेश में ही क्यों बना, वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्यों बना? किसान आंदोलन की सबसे अधिक धमक उत्तर प्रदेश के जिस इलाके में है, धर्मांतरण वही मुद्दा बनाया जा रहा है। कमाल है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये वो इलाके हैं, सहारनपुर। तो बड़ी दिलचस्प बात है, धर्मांतरण अगर मुद्दा है तो उसके लिए क्यों नहीं जुडिशियल प्रोसेस आप अपनाते हैं? आखिर धर्मांतरण कोई जुर्म तो है नहीं भारत के संविधान के मुताबिक। आर्टिकल 25 हमारे संविधान की जो लंबी बहस के बाद फ्रेम हुई थी, उसमें धर्म से इशू, धर्म से लेकर और धर्मांतरण के इशू हैं, उसमें धार्मिक आज़ादी के इश्यूज हैं। फिर हमारी 29 धारा है, अनुच्छेद 29-30, वो माइनॉरिटीज कम्युनिटी को राइट्स देते हैं। तो आखिर भारत के संविधान की रोशनी में जो चीज़ें हैं उनके मुतल्लिक आप प्रोसेस अपनाइए। अब आपने नए नए कानून बना दिए हैं, दिलचस्प बात यह है कि धर्मांतरण से जुड़े जितने नए कानून बने हैं उसमें एक अपवाद को छोड़कर सभी के सभी राज्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित हैं। चलो हमने वो भी मान लिया, आपका अधिकार है, मेजॉरिटी आपकी है, जो कानून बनाना चाहें बनाइए। लेकिन हमारा कहना है कि कानून बनाने के बाद एक जुडिशियल स्क्रूटनी तो होनी चाहिए। आप कुछ भी बोलते रहें और उसको धारा प्रवाह मीडिया वही बताता रहे, आपके इंटरप्रिटेशन को भी ध्रुव सत्य मानता रहे, और अगर कोई पत्रकार, कोई लेखक कोई बात कहता है तो आप कहें आप इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, और आप पर हम क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम कर देंगे, आपको हम जेल में बंद कर देंगे। ये कौन सी डेमोक्रेसी हुई भाई? और धर्मांतरण से जुड़े जो प्रश्न हैं और कहां उठे हैं? जम्मू कश्मीर में उठ गए। इतनी बड़ी आबादी में दो मुद्दे उठे, एक पुराना जिसमें मामला है उसमें सफाई भी आ गई, स्पष्टीकरण भी आ गया। दूसरा जो मुद्दा है वो कंट्रोवर्सियल जरूर है, उसके बारे में यहाँ के कुछ दिल्ली के सिख नेता वहाँ जाकर के, खासकर जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े हुए हैं और जिनकी राजनीतिक संबद्धता
के बारे में हम सब जानते हैं। वहाँ वो गए और वहाँ के जो सिख लोग हैं उन्होंने कहा कि हमें बाहर के लोगों को के आने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, हम लोग निपटा लेंगे अपने मसले। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद प्रश्न है, मिलिटेंसी का प्रश्न है, अलगाववाद का प्रश्न है, सरकार को उससे निपटना चाहिए। वहाँ पर धर्मांतरण के इश्यूज, कम्युनल डिवाइड के इश्यू, इन इश्यूज पर मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए। ये मिलिटेंसी के दौर में भी बड़ा अगर वक्त देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में कम्युनल पोलराइजेशन नहीं हुआ। इसलिए जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के हक में है कि हमारे देश की जो सियासी पार्टियां हैं वो जितनी भी तंजीमें हैं वो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जम्मू कश्मीर सरहदी सूबा है, सेंसिटिव है, उग्रवाद है। हम ऐसे सूबे को धार्मिक आधारों पर विभाजित करने और कम्युनल पोलराइजेशन की कोई कोशिश न करें, एक जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के तहत चीज़ों को ग्रहण किया जाए, उसके हिसाब से उनका निपटारा किया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये दो इश्यूज़ के नाम पर, जिसको अब तो एक इशू कहा जाए, एक मुद्दे के नाम पर इतनी बड़ी हेडलाइंस बनाई जा रही हैं, इतना बड़ा कि वहाँ जाकर भाषण भूषण तमाम, अरे भाई लोगों को तय करने दीजिए ना, लोगों वहाँ के अफसरशाही को तय करने दीजिए, वहाँ सरकार बैठी है उसको तय करने दीजिए। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ भी चुनाव होने वाला है। डिलिमिटेशन जैसे ही कंप्लीट हुई, डिलिमिटेशन की प्रोसेस, तुरंत फौरन चुनाव। और मेरी जो जानकारी है वो ये कि उत्तर प्रदेश से भी पहले चुनाव सरकार कराना चाहती है जम्मू कश्मीर में, और चूंकि पंजाब का मसला भी प्रकारांतर से जोड़ दिया गया है, सिख बनाम हिंदू, सिख बनाम मुस्लिम का, तो हम मानकर चलते हैं कि पंजाब पर भी उसकी छाया थोड़ी सी डालने की कोशिश है। ये सियासत नहीं है, ये समाज को बचाने वाली राजनीति नहीं है, ये समाज को आगे बढ़ाने वाली राजनीति नहीं है, ये संविधान की राजनीति नहीं है। और माफ कीजिएगा, 1881 से पहले हमारे देश में धर्म के नाम पर कोई आइडेंटिटी नहीं थी। हिंदू धर्म तो वैसे भी 12वीं 13वीं शताब्दी में हिंदू शब्द आया, हिंदू शब्द हिंदू का दिया हुआ नहीं है। और वो हिंदुत्व जो आज ये लोग जो हिंदुत्व वाले हैं उन्हें हिंदू धर्म से क्या लेना देना, उनके लिए तो सियासत है धर्म का पूरा मामला। हिंदुत्व एक राजनीतिक धारा है, एक राजनीतिक वैचारिकी है, हिंदू धर्म जरूर है। तो हिंदू धर्म जो है, हिंदू शब्द वो भी 12वीं 13वीं शताब्दी का है, वेदों में तो नहीं हिंदू धर्म है। हम तो नेता नहीं है इसलिए वेद हम पढ़ लेते हैं, मेरे घर में तो वेद भी पढ़े हैं और बड़े आदर के साथ पढ़ते हैं। उपनिषदों को देख लीजिए। तो ये जो धर्म का जो प्रश्न है वो आइडेंटिटी में शुमार हुआ 1881 के आसपास, जब पहली बार ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने जनगणना में कहा कि लोग अपना धर्म लिखें। और माफ कीजिएगा, इसके पहले दलित जो समाज भारत का है वह हिंदू नहीं माना जाता था, और अंग्रेजों में और यहाँ के लोगों में, खासकर जो उच्च वर्णों के थे, बड़े विवाद था शुरू में कि दलितों को हिंदू के रूप में लिया जाए कि न लिया जाए। लेकिन जब आबादी ज़्यादा दिखाने की बात आ गई तो उनको कहा गया कि नहीं, लेना चाहिए, वरना जो हमारी वर्ण व्यवस्था है बुनियादी तौर पर, जो जिसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं वो ब्राह्मण धर्म है, या उसको वर्णाश्रम धर्म कहिए, गांधी जी वर्णाश्रम धर्म कहते ही थे और वर्णाश्रमी व्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक थे। तो वर्णाश्रम धर्म जो है उसमें दलित समाज तो शामिल ही नहीं है, उसमें चार ही वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र में दलित नहीं आते, दलितों का एक हिस्सा जरूर बाद में शुमार किया गया, लेकिन शूद्र बुनियादी तौर पर कामगार वर्ग है, वह कामगार वर्ग जो खेती किसानी और इस तरह के काम करते थे, वो तो अति शूद्र हैं। उनको तो तमाम तरह के अपमानजनक संबोधनों से हम इंगित किया करते थे भारतीय समाज में लोग, लेकिन वस्तुतः शूद्र जो है वो आज का जो OBC समाज है, जिसको OBC कैटेगरी कहते हैं, उसी का बड़ा हिस्सा शूद्र समाज में आता है। तो दोस्तों, हम इसलिए ये सब बातें आपको इतने विस्तार से कह रहे हैं कि जिस धर्म के बात के नाम पर यह राजनीति की जा रही है उसका चेहरा अगर अंदर से आप देखिए तो बड़ा विचित्र है। हम किस धर्म की बात कर रहे हैं?
आपको लगता है कि उनसे हमको खतरा है, किनसे खतरा है? उनसे जिनकी पूरी की पूरी आबादी परसेंटेज वाइज 14% है पिछली जनगणना के हिसाब से। तो हमेशा आपके धर्म को, जिसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है पूरे देश में, एब्सोल्यूट नहीं सुपर सुपर एब्सोल्यूट, देश के 28 राज्यों में बहुमत, प्रचंड बहुमत है उस धर्म के लोगों को, धर्मावलंबियों का, जो अपने को जनगणना में हिंदू कहते हैं, और आप कह रहे हैं कि धर्म को खतरा हो जाएगा। आखिर भूख से खतरा है, बीमारी और महामारी से खतरा है इस देश को, बेरोजगारी से इस देश को खतरा है, नफरत और विभाजन से इस देश को खतरा है, गरीबी से इस देश को खतरा है, या धर्म, किसी एक धर्म जो बहुत कम लोग जिसको मानने वाले हैं, जिसकी आबादी महज 14% है, किसी की 2% है, किसी की 1% है, उनसे खतरा है? हमारे शासन प्रशासन की समस्याओं से खतरा है? जहां आतंकवाद नहीं भी होता है तो आतंक खड़ा हो जाता है, जम्मू कश्मीर में तो आतंकवाद नहीं था 91 से पहले। मैं तो जम्मू कश्मीर का एक, वहां की हिस्ट्री का एक मामूली छात्र रहा हूं, कैसे खड़ा हुआ 1987 के चुनाव में, जो हालात पैदा किए गए उस समय कांग्रेस रिजिम थी, अगर देखा जाए मिलिटेंसी और उग्रवाद की जेनेसिस पृष्ठभूमि तो उस समय बनती है, तो गवर्नेंस और शासन से पैदा हुई वो समस्याएं थी। लेकिन आज दोस्तों मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, 1956 में जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को धर्मांतरण किया तो उनके साथ 1000 लोग नहीं थे, 100 लोग नहीं थे, 3,65,000 के आसपास लोग बताए जाते हैं कि धर्मांतरित करने वाले लोग थे। उन्होंने हिंदुइज्म छोड़कर बुद्धिज्म को अपनाया था। उस समय तो इतना बवाल नहीं किया था लोगों ने, अखबारों में जरूर छपा, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन आज धर्मांतरण के नाम पर ये कानून बना दो, वो कानून बना दो, इनको अरेस्ट कर लो, उनको NSA लगा दो, उनको UAPA लगा दो। अरे भाई, धर्मांतरण के नाम पर या धर्म कर्म के नाम पर आप NSA UAPA क्यों लगाए जा रहे हैं, ये क्या मसला है? तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो असल मसला चुनाव है, तीनों राज्यों में चुनाव हैं, अब मंदिर उंदिर का मसला निपट गया है, महामारी से निपटने में जो सरकार जितनी वीरता का प्रदर्शन कर चुकी है, जितना अच्छा काम कर चुकी है, वो सब हम सब आपने देख लिया है, केंद्र और राज्य सरकार, वैक्सीन को लेकर जो हालात हैं देश में वो आपने देख लिया है, परसेंटेज अभी तक कितना है, वैक्सीन जिनको लग रही है उनको गैप बताया जा रहा है कि अगली बार अमुक समय लगेगी, तब भी अभी भी वैक्सीनेशन जो अपने देश में है बहुत कम है, मुआवजा जो लोगों की मौतें हुई हैं वो उस पर सरकार कोई राजी नहीं है देने को, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मसला चल रहा है, बेरोजगारी अभूतपूर्व है, इतिहास में ऐसी बेरोजगारी कभी भारत में देखी गई नहीं गई थी। कौन सा ऐसा जाति है, कौन ऐसी बिरादरी है, कौन ऐसा वर्ण है जो इससे प्रभावित नहीं है? तो इन सभी चीजों से ध्यान हटाने के लिए कभी कुछ धर्मांतरण हथकंडा है। धर्मांतरण का पूरा जो मुद्दा आज उठाया गया है वो दरअसल एक हथकंडा है, लोगों को ध्यान उनका हटाने के लिए। अगर धर्म परिवर्तन कोई करता है तरीके से, ये उसका अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अगर फोर्सफुली कोई कराता है, कोई रिश्वत या लोभ देकर कराता है, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करता है, लेट द जुडिशियल प्रोसेस, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया जो है उसको आप एडॉप्ट कीजिए। किसने रोक रखा है? आपने तो कानून बना रखा है, लेकिन इस पर समाज को बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।